हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, इस वीडियो में बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग मेरे से बहुत दिन से पूछ रहे थे कि TCS का न्यू पैटर्न क्या है और किस तरीके से GS के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेट करने की कोशिश कर रहा है TCS। वीडियो बहुत ही छोटा सा है, पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, अन अकेडमी पर अगर आप किसी भी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये है मेरा रेफरल कोड Varun777। इसका यूज करके 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। साथ ही साथ GS की लाइव क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं और करंट अफेयर के क्रैश कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप मेरा कोर्स फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी कोर्सेज और क्लासेस को वहां पर अवेल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए, बात आपको समझनी होगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि TCS किस तरीके से वेटेज रख रहा है GS के सभी क्वेश्चंस का। और साथ में इसके बाद एक मैं फुल लेंथ वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन वाइज अगर बात करी जाए तो हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन TCS लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और उस हर सब्जेक्ट में आपको टॉपिक कौन कौन से कवर करने होंगे वो एक फुल लेंथ वीडियो में कल लॉन्च करूंगा। बट आज ये जो मैं वीडियो लॉन्च कर रहा हूं इस पर आप देखिए कि कहां से कितने क्वेश्चन TCS उठा रहा है। एक बात करते हैं पुराने पैटर्न की, SSC की। अभी तक SSC के पुराने पैटर्न की अगर बात करें तो SSC यहां पर हिस्ट्री होता है हमारा, ज्योग्राफी GS में होता है, पॉलिटी होता है, साइंस होता है, इको हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अभी तक क्या कर रहा था TCS, इससे पहले TCS यहां पर क्या कर रहा था कि हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन लेता था, मैक्सिमम यहां पर 4 क्वेश्चन लेता था, ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन लेता था, पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन का वेटेज रहता था, करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन का वेटेज रहता था। ये मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया, अदरवाइज 3-4 ही यहां पर भी करंट अफेयर में भी रहता था। इको की बात करें तो यहां पर भी 1-2 क्वेश्चन का वेटेज रहता था। अब देखिए, अगर यहां पर आप देखो तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3-3 6 क्वेश्चन हो गए और 3 ये 9 हो गए, 9 और 4 यहां पर 13 अगर हम जोड़ लें, ठीक है, और 13-2 अगर इधर ये 15 जोड़ लें, 13-2 15 हो गए। तो टोटल इन अगर इन 5 सब्जेक्ट की बात करें साइंस को हटा के तो 15 क्वेश्चन ये हो गए। अब बचे 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन लगभग आपके साइंस से लेता था। अब बात आती है नए पैटर्न की कि इस बार साल 2018 का क्वेश्चन पेपर पूरा TCS ने सेट किया है और अब 2019 का भी TCS ही करेगा, लेकिन TCS ने इस पूरे सिनेरियो को आउट कर दिया। यहां पर अब TCS के पैटर्न की बात करते हैं। ये हो गई हमारी हिस्ट्री, ये हो गई ज्योग्राफी, ये हो गई पॉलिटी, इसके बाद ये हो गई साइंस, ये हो गई इको और ये हो गई करंट अफेयर्स। अब देखो यहां पर अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का वेटेज TCS ने बढ़ा दिया है। पहले जो 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आपसे, ये हिस्ट्री 5-6 क्वेश्चन पूछ रहा है। दैट मींस कि आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से आप पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि TCS जो GS का पेपर है, इस GS के पेपर को उसने मॉडरेट से टफ कर दिया है। अब ज्योग्राफी की बात करें तो इस बार वेटेज सिर्फ और सिर्फ 0-2 क्वेश्चन देखने को मिला। मतलब कुछ ऐसी शिफ्ट है जहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, कुछ ऐसी शिफ्ट है जहां एक क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। पॉलिटी की बात करें तो हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन हमें हर बार देखने को मिले हैं। अब साइंस की बात करें तो साइंस में इस बार मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इको की बात करें तो इको में 0-1 वेटेज रहा है। मतलब एक ज्यादातर शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है और कुछ ऐसी शिफ्ट रही है, 10% ओनली शिफ्ट ऐसी रही है जहां पर इको का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अब करंट अफेयर की बात करें तो 4-5 क्वेश्चन जहां आते थे तो 4 क्वेश्चन हम ऑन एन एवरेज लेकर चल रहे हैं, 4 की जगह अब सीधे करंट अफेयर यहां पर 8-10 देखने को मिल रहे हैं। अब गाइस देखो यहां पर बात को समझो, अगर 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, इको का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 3 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, तो 8-3 हो गए 11, 11 और 1, चलिए पॉलिटी के 2 मान लेते हैं, 11-2 हो गए 13, 13-2 मान लेते हैं ज्योग्राफी के, 15 हो गए, ठीक है। और इसके बाद 5 क्वेश्चन हम हिस्ट्री के कम से कम मान लेते हैं, हो गए 20। अभी तो 20 ही क्वेश्चन हुए, 25 क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने तो ये 20 ही का बताया, अभी तो 20 ही क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन कहां गए? गाइस जो वेटेज बढ़ चुका है वो बढ़ चुका है स्टैटिक जीके का। ये था इस वीडियो का क्लाइमेक्स जो मैं आपको बताना चाहता था। स्टैटिक जीके के कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चन की तादाद बढ़ के 5-10 भी पहुंच रही है, कुछ ऐसी शिफ्ट है। अब अगर 5-10 क्वेश्चन की तादाद बढ़ जा रही है स्टैटिक जीके की, दैट मींस क्या हो रहा है कि करंट अफेयर आपसे 7-8 पूछ दिए जाएंगे उस शिफ्ट में,
इको का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कुछ ऐसी शिफ्ट है जहां पर इको का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। दैट मींस कि ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक जीके वहां पर पूछी गई है। साइंस के जहां पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब आप खुद समझ सकते हो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ने के बाद अगर आपको साइंस से केवल 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऑब्वियसली साइंस का वेटेज कहां 9 से 10 क्वेश्चन हुआ करता था, वो घटकर सिर्फ 3 क्वेश्चन पे आ गया। पॉलिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चन ये आपसे पूछ ही रहा है। ज्योग्राफी के कुछ ऐसी शिफ्ट है जहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ऐसी शिफ्ट है जहां पर स्टैटिक जीके का वेटेज आपको देखने को मिलेगा, वहां पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगा और इको का भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। बात आ रही है समझ? तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि साइंस और इको की अगर हम बात करें, इको को तो पहले ही आउट कर दिया है टीसीएस ने, बहुत ज्यादा इको से नहीं पूछ रहा। लेकिन इको से पूछ भी रहा है तो कैसे, वो करंट अफेयर से क्वेश्चन बना के पूछ रहा है, लाइक जीएसटी से पूछ दे रहा है आपसे, रेपो रेट से पूछ दे रहा है, यहां से क्वेश्चन थोड़े से पूछ रहा है। अब अगर साइंस की बात करें तो देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि साइंस से सिर्फ 3 ही 4 क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके एक ऐसा पार्ट है जो कि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनाता है, ज्योग्राफी से भी, पॉलिटी से भी, साइंस से भी और इको से भी। स्टैटिक जीके आपकी हर पोर्शन में ही है, तो ज्यादातर आप डेटा गो थ्रू करें स्टैटिक जीके का, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए मैं रेफर्ड बुक भी आपको बता देता हूं, आप रेलवे की स्पीडी ले सकते हो। ये मत सोचे कि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेलवे की स्पीडी क्या करेंगे, रेलवे की स्पीडी ले लीजिए, जनरल नॉलेज सारी वही होती है, ओके। अब अभी आप लोगों के माइंड में कुछ ये क्वेश्चन चल रहे होंगे कि सर हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स करें, ज्योग्राफी में कौन कौन से करें, पॉलिटी में कौन से करें, साइंस में, इको में कौन कौन से हम टॉपिक्स कर लें और करंट अफेयर कितनी करें। तो उसके लिए एक बहुत ही जल्द मैं वीडियो लॉन्च कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं जिसमें मैं सब कुछ आपको इलैबोरेट करूंगा 1 बाय 1। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इन चीजों का बस ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। बाय एवरीवन, टेक केयर।